इटावा में विकास भवन के बाहर ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सचिवों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सचिवों ने जिला विकास अधिकारी और डीपीआरओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ग्राम पंचायत अधिकारी बोले कि डीडीओ और डीपीआरओ गाली गलौज करते हैं, आए दिन प्रताड़ित करते हैं। वही ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि हमसे सीडीओ साहब के नाम पर रिश्वत और पैसे मांगे जाते हैं, सीडीओ साहब के किचन के नाम पर खुलेआम पैसे मांगते हैं। मीडिया पर पीड़ित ग्राम विकास अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, सुनिए। आप लोग मीडिया के सब लोग हमारे पास आए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम लोग फील्ड के कर्मचारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि देश में अच्छा विकास हो, लेकिन जो जनपद में हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, जिला विकास अधिकारी हैं और विकास खंडों में जो बाहर के वीडियो लगा दिए गए हैं, ये लोग केवल लूट मचाने में लगे हुए हैं। हम लोग जो है बड़ा प्रताड़ित हैं। ये लोग गाँव में जाते हैं तो गाँव में ने नालियाँ काली दिखाई देती हैं, जल भराव दिखाई देता है, तालाबों में बताते हैं जलकुंभी खड़ी हुई है। अरे महोदय, आप ये बताएं, जलकुंभी तालाबों में नहीं होगी तो क्या सड़कों पे जलकुंभी होगी और तालाब में जो है गेंदा के या कमल के फूल खिलेंगे? स्थिति यह है कि जो है जहाँ भी ये लोग जाते हैं तो हमारे कर्मचारियों को सस्पेंड कर देंगे, वेतन रोक देंगे, इसके खिलाफ एडवर्स एंट्री करो, तो बड़ा इन्होंने उत्पात मचा रखा है। इस संबंध में हम लोगों ने जो है निर्णय लिया था कि पहले हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बहुत नहीं, मेरी मांगें ये हैं कि हम लोग जब पूरे जो है गाँव का विकास कराते हैं, काम कराते हैं, तो हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए। हम लोगों को जो है गांव से लेकर जनपद में अगर ये कोई अपना नाम रोशन कर रहे हैं तो हम लोगों की बदौलत कर रहे हैं, लेकिन ये इधर हमसे जो काम भी करवाना चाहते हैं, उधर गुर्राते भी हैं और कुर्राना भी। चलो ठीक है, मान लें कि आप जो अधिकारी हैं हमसे गुर्राओ, ये तो यहाँ तक उतर आते हैं, माँ बहन की गालियाँ देने तक भी जो नौबात। सचिवों का आरोप है।